चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। चलिए, आवाज़ आ रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, राधे राधे भैया, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। चलिए, सभी को राम राम। चलिए, रेडी हैं? आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? मिल पा रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि जिस देश को जोगियों का देश, हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हो, आपका कौन सा है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे आपको ध्यान देना है। किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, ये जो आपका है नॉर्थ कोरिया, अर्थात तो यहाँ पर जो आपका उत्तरी कोरिया है ना, ये जो आपका है इसे हम लोग कहते हैं आपका जोगियों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे हर देश का नाम कोरिया पड़ा, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कोयो एक वंश का राज्य था। चीन और जापान से इस देश का अधिकांश संपर्क रहा है, तो जापान निवासी इसे चोसेन कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है सुबह की ताजगी, और उसे बोलते हैं जोगियों का देश। अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले है। जवाब आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गोपाल, जो आपके कृष्ण गोखले हैं। जन्म आपका हुआ था 1866 में हुआ था, 1866 में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंस में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, भारत में हुई थी या तुर्की में हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, तुर्की इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तुर्की आपको बताना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके दिया गया और आपसे कह रहा है बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? और बोधित्व दिया गया है तो आप कहेंगे सर हमने बताया भी है बौद्धों में जो आपका महायान है ना, मतलब जो व्यक्ति बुद्धि बनने या मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में होते हैं उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपका आंसर डी, ये महायान बौद्ध धर्म में आपका रखा गया है, मतलब एक व्यक्ति जो बुद्ध बनने का इरादा रखता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये हैं आपके मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थात तो यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी है 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो मुद्रा है वो आपके दोस्तों ब्राजील की है, कहाँ की है? ब्राजील। इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। रियाल जो दिया, रियल दी गई है ना, रियल दी गई है, रियल मुद्रा जो आपकी सऊदी अरब में भी चलती है, रियल मुद्रा जो आपकी है वो आपकी सऊदी अरब में भी चलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ब्राजील की मुद्रा, मतलब ब्राजील की जो मुद्रा आपकी है ब्राजील में ब्राजीलियन रियल चलता है, यहाँ पर एक शब्द आपका और लगा होना चाहिए ब्राजीलियाई रियल, है ना, यह ब्राजीलियाई रियल। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर रियाल जो दिया गया है इसमें नाम नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी नंबर इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर जैसे अर्जेंटीना में, भाई दक्षिण अमेरिका के आपके देश हैं, जैसे अर्जेंटीना है तो वहाँ पर अर्जेंटीना पेसो चलता है, चिली में भी पेसो चलता है, कोलंबिया में भी पेसो चलता है, लेकिन ब्राजील में चलता है रियल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? सेवन नंबर का देखिए ऑप्शन है और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका 1972 में, ठीक है, 1972 में ये आपका मनाया गया था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन में, है ना, ये कहा भी गया था और कहा गया था कि केवल एक पृथ्वी, है ना, केवल एक पृथ्वी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं आपके 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद, है ना, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इनको खेलचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको दिया गया है, हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना। यहाँ पर देखा जाए तो 1913 में इनको पुरस्कार भी मिला था साहित्य के लिए। अगला है आपसे हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखा है? चलिए, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके महात्मा गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। दोस्तों याद रखिएगा ये लगभग 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है। गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड के, है ना, जो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। दोस्तों याद रखिए इसको, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है, वाटर हाईवे है ना, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग पूछा गया, वाटर नहीं पूछा गया है।
तो ये आपका NH44 आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। तो भाई आपने देखा होगा जूट जो आपका होता है, जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। जूट जो होता है अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य गेहूँ का अग्रणी उत्पादक है। अब इसमें भी कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ उत्तर प्रदेश जो आपका है सबसे बड़ा गेहूँ का उत्पादक है, इसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। केंद्रीय धान जो आपका दिया है तो आप कहेंगे कटक में है, कहाँ पर है, कटक जो कि आपके उड़ीसा में है ना, उड़ीसा के जो कटक शहर है ना, वहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके हैं। 15 नंबर दिया गया है और 15 में ऑप्शन बी हो जाएगा जो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि थायराइड ग्रंथ की जाँच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है और 16 में देखिए जो आपका थायराइड ग्रंथि होती है इसकी जांच में रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है या रेडियो आयोडीन है ना, कौन, यहाँ पर जो आंसर 16 का ऑप्शन ए दिया गया है आपका जवाब हो जाएगा रेडियो आयोडीन 131 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए एंटीबॉडी और आपके थायरोग्लोबिन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं और उनकी प्रोटीन की जाँच की जाती है, ये परीक्षण आपको बता सकते हैं कि आपको हार्मोन थायराइड अर्थात जो आपकी हार्मोन जो होते हैं भाई, देखो जो आपके थायराइड होती है उसमें T1, T2, T3 आपकी कई प्रकार की आपकी थायराइड होती हैं, जांच होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है तो यहाँ पर होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, ये मादा जनन से हार्मोन्स का स्रावण होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए मादा जनन में जो आपके और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इसमें आपके होते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 दिया गया है यहाँ पर दिया है एस्ट्रोजन दिया है और रिलैक्सन भी है कि हार्मोन्स ही तो होता है ना, और आपका प्रोजेस्टेरॉन भी आपका होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, HCG हार्मोन्स भी होता है, रिलैक्सन भी होता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन इनमें से सभी कथन आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी आप लोग सुधार करिएगा क्योंकि मॉडल पेपर में जो आपका दिया गया है वो आपका ए दिया है जो कि आपका गलत दिया गया है। 17 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन आपका डी बनेगा क्योंकि मनुष्य में जो मादा जनन अंग होते हैं वहां से भैया जो आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और आपका रिलैक्सिन होता है, तो ये ऑप्शन आपका डी बनेगा, सभी हो जाएंगे, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए बता सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये जो आपके न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं, 10 दिसंबर 1922 को मानवाधिकार दिवस पर ये संदेश आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया भी गया है, हमने कहा था साइबर अपराध में है ना, जैसे अनधिकृत खाता पहुँच होता है, यहाँ पर ट्रोजन को बाटनेट के रूप में इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला, ईमेल स्कूपिंग और स्पैमिंग तो होता ही है, किसी भी प्रणाली में वेदना की जो आपकी रिपोर्ट करना, ये आपका नहीं है, इसमें से ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने, नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है, और ये जो मदद करता है भैया जो होता है इसे बोलते हैं लिंक्ड इन, याद रखिए इसमें आपकी साइट है, एक प्रकार की लिंक साइट एक साइट है, इसमें से अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो अपना पूरा बायोडाटा जिसको बोलते हैं रिज्यूम अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद आपको नौकरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पर आयोजित किया गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो सूर्य किरण है कहाँ पर आयोजित किया गया है। आप कहेंगे सर ये आपका उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सामा साह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है। यहाँ पर 22 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपकी, ये राजस्थान की बीमा है, ठीक है, राजस्थान की ये आपकी क्या है, पशु बीमा योजना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कुंभ मेले के या कुंभ के आयोजन में 9 ग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, शनि है, इनमें से सभी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये राशि चक्रियों में से एक विशेष संयोजन के अनुसार ये समय बनता है और ये चक्र लगभग 12 वर्ष में दोहराया जाता है, तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, 24 को ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किस जिले में होता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है, जवाब देना है यहाँ पर। आंसर इनमें से राइट क्या बन जाएगा, सबको जवाब देना है यहाँ पर, जो आंसर बन सकता है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग भाई जवाब दीजिएगा, यूपी जी की क्लास चलती है और यूपी जी की क्लास आपको डेली दी जा रही है, डेली आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए सहारनपुर इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्लास जो होती है डेली 9:30 बजे होती है, ठीक है 9:30 बजे होती है। अगला दिया निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? मतलब पुलिस एक्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जो आपका है ये संचालित होता है, पुलिस एक्ट 1861 के तहत होता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंद्रधनुष 2.0 संबंधित है, इंद्रधनुष 2.0 जो आपका है ये किससे जुड़ा है? तो इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनः पूंजीकरण जो आपका दिया है इसके बारे में है इंद्रधनुष 2.0। अगला दिया गया है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा है? चलिए बताना है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश पूछा गया है। तो आप कहेंगे जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई थी, है ना, कहाँ पर है? तो आपके फ्रांस इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भैया ये आपके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के राजस्थान सदस्यों सॉरी भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? जो राज्यसभा के सदस्यों का जो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया है ये लिया गया है आपकी कहाँ से लिया गया है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद रखिएगा कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सभी से समवर्ती सूची में आता है? समवर्ती सूची में जिसमें से आपकी आपकी राज्य हो या केंद्र हो, है ना, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में देखिए जैसे वन है, है ना, शिक्षा है, नापतौल है, वन्य जीव या पक्षियों के संरक्षण हो गया, न्याय का जो प्रशासन है, ये समवर्ती में होते हैं। आप कहेंगे सर इसमें से जो ऑप्शन है वो आपका वन जो आपका दिया गया है ये समवर्ती सूची में आपका आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? देखिए पश्चिम बंगाल में जो आपका झारखंड है, है ना, उड़ीसा है, सिक्किम है, लेकिन मेघालय इसमें से आपका नहीं है, याद रखिएगा मेघालय ये आपका नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी के जो लेखक आपके हैं वो आपके कल्लड़ हैं, कौन है, राज तरंगी कल्लड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों याद रखिएगा 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जिस वजह से उन्होंने इस 5 मंजिला भव्य इमारत को मोर मुकुट के आकार में बनवाया है। मतलब ये जो आपका हवा का महल है ना ये मोर मुकुट जैसा बना है, जैसे मोर का मुकुट होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की ये बहुत ही बड़े क्या थे, भक्त थे, याद रखिएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन दिया है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? ये दोस्तों संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो भैया भारत का जो मौलिक अधिकार है स्वाधीनता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार आपका नहीं है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है? देखिए 3 प्रकार के प्रावधान होते हैं, है ना, आपके यहाँ पर देखा जाए 37 नंबर में जो आपका 360 नंबर आर्टिकल है ये आपका वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक आपके भारत में नहीं लगा है। बाकी और भी आपके आपातकाल हैं, जैसे आपका 352 होता है, 356 आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? 38 नंबर में देखेंगे आपके ये राजस्थान का है, ठीक है, ये गणगौर राजोत्सव है, ये चैत्र महीने में देवी गौरी और पार्वती, मतलब गौरी या पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है।
राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, इसका बनेगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है 39 नंबर में, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा नाक और मुंह से। याद रखिए मुख के साथ साथ नाक की भी सहायता ली जाती है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक आपके होते हैं, जैसे हंसना, आंख, ऊंट, है ना, मैं, सरसों, परसों, है ना, इसमें चंद्रबिंदु या केवल बिंदु आपका आता है, तो अनुनासिक हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है प्रत्न के आधार पर ला जो आपका है किस प्रकार की ध्वनि है। जब ला बोलते हैं तो भैया ये पार्श्विक होती जीभ आपकी पीछे को फोल्ड हो जाती है। अगला है रूपांतरण में पूछा गया, रूपांतरण में कौन सा संधि विच्छेद है। रूप धनंतर बनेगा, और आप कहेंगे सर रूप धनंतर दिया है तो बड़ा आपके निकल आया है अर्थात दीर्घ संधि, जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग आपका दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर में, और 42 की अगर बात कर लेते हैं आपका सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया है स्त्रीलिंग में से 42 नंबर में, तो 42 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, भाषा कैसी है ना। आप कहेंगे सर ये जो भाषा कैसी है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से इतर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है इतर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है, 43 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए 43 नंबर की बात करते हैं तो इतर मतलब होता है नीच होता है, चरस भी होता है, अंतज होता है, लेकिन याद रखिएगा मेल नहीं होता है। 43 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उत्तर का सही विकल्प बताना है। कह रहा है जो इस लोक की बात हो, है ना, क्या जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है तो आप कहेंगे यहाँ पर लौकिक हो जाएगा, अगर उस लोक की बात होती तो दूसरा लोक हो जाता ए लोक। यहाँ पर दिया गया है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है 45 नंबर में, तो यहाँ पर घड़ी दिया गया है, घड़ी जो है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। चलिए 45 नंबर जवाब देना है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, घड़ी कौन सा हो सकता है, ये घड़ी कौन सी है ना, घड़ी ये दोस्तों आपकी ये घड़ी लग रही है कौन सी, समय वाली घड़ी है। यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, समूह की बात होगा नहीं, व्यक्ति होगा नहीं, यहाँ पर भाव होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन बचा है, तुक्का के हिसाब से मार दीजिए, जाति में आ जाएगा। यहाँ पर अगला है जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, बहुवचन में होता है कौन, जैसे आपके दर्शन हैं, आपके ओठ है ना, आपके आंसू हैं, हस्ताक्षर हैं, होश हैं, ये आपके बहुवचन में ही आपके प्रयोग होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह आपका कौन सा है, योजक चिन्ह आपसे पूछा गया है ना, योजक चिन्ह में जिसमें आपका आता है जैसे माता पिता भाई बहन, उसके बीच में एक डैश आता है और इस डैश को ही हम लोग कहते क्या है, यहाँ पर योजक चिन्ह कहते हैं। अगला है उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही है, रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया, मतलब रोहन ने पहले चाय पिया फिर बैठ गया, तो भैया इसको मतलब है कि ये क्रिया कैसी है, पूर्वकालिक क्रिया है, इसमें दो क्रिया है, एक क्रिया पहले ही पूरी हो गई है कि रोहन ने चाय पी लिया है और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया है, बैठ गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ थीं, विद्यार्थियों की मेले में कई टोलियाँ शब्द आपका नहीं प्रयोग होगा। आप इस प्रदेश की शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं, क्या ये पॉइंट आपका लग रहा है, नहीं लग रहा है। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, देखिए ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। अगला है यहाँ पर दिया गया है तीन अशुद्ध आपके दिए गए हैं, है ना, यहाँ पर देखो दिया गया है दुष्चरित्र दिया गया है, दुष्चरित्र जो सही लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, दुष्चरित्र जो लिखा जाएगा सही लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए की तरह लिखा जाएगा, ये सही दिया गया है। अगला है चित्रा मुग्धल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं चित्रा मुग्धल को जो पुरस्कार दिया गया था, यहाँ पर जो आपका दिया गया है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है सुई और तागे के बीच में कविता किस प्रकार की रचना है, सुई और तागे के बीच कविता में जो दिया गया है ये किस प्रकार की रचना है बताना है, सुई और तागे के बीच कविता 52 नंबर में, यहाँ पर आंसर आपका जो दिया है केदारनाथ सिंह, क्या हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, चीफ की दावत जो कहानी है इसकी जो रचनाकार हैं वो आपके कौन बनेंगे, 63 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपके भीष्म साहनी हैं, भीष्म साहनी ये चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है,
प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, तो देखिए कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रय है, लेकिन जय पराजय नहीं है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की है ना। यहाँ पर जय पराजय किसकी रचना है बताइए भाई, चलिए एक बार बताइएगा, जय पराजय किसकी रचना है? चलिए जयशंकर प्रसाद की है कि नहीं है, कि दूसरा कुछ है? चलिए उपेंद्रनाथ अस्क की है। किसकी है? जय पराजय जो आपकी है उपेंद्रनाथ अस्क की है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है संयुक्त वाक्य में, देखो हमने कहा कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें से बस आपको कंजंक्शन ढूंढना है। यहाँ पर देखो आपसे दे रहा है कि शब्द दिया है, ये आपका होगा नहीं, ये कॉमा शब्द दिया है, बच्चों पर जो शब्द दिया है ये भी नहीं होगा, जब तब नहीं होगा, राधा दुष्ट है इसलिए वह आती है, मैं चल देता हूँ, देखिए इसलिए शब्द आपका दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें की शब्द दिया है, इसमें जब तब दिया है ना, और इसमें जो शब्द दिया है, तो ये आपके होते हैं कि इसमें आपके मिश्र में होते हैं, ये योजक चिन्ह मिश्र में लगते हैं, इसलिए शब्द जो आपका होता है संयुक्त में होता है। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है बताइएगा? मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में कौन सा प्रकार दिया गया है 56 नंबर में? यहाँ पर देखा जाए तो आपका मोहन बाजार पहुंच गया, तो मोहन बाजार पहुंच गया, बाजार पहुंच गया, और पूर्वकालिक क्रिया तो होगा नहीं है ना, यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगा नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया इन्होंने यहाँ पर किया है, तो उसमें गोला लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है, 56 में गोला लगाइएगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया इसमें नहीं है, क्योंकि बाजार ऑलरेडी कर्म है, तो इसमें सकर्मक होगा, सकर्मक भी दिया गया है, तो इसको मतलब देखो पहुँच और गया ये संयुक्त क्रिया है, कैसी है ये संयुक्त क्रिया है, पहुँच और गया दो क्रियाएँ हैं, तो इसको मतलब अनेकार्थक क्रिया, मतलब जब संयुक्त क्रिया है इसका मतलब एक से अधिक क्रिया है, क्या है? एक से अधिक क्रिया है, और जब एक से अधिक क्रिया है तो इसका मतलब अनेकार्थक क्रिया हो गया, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अनेक क्रिया है इसमें से, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर शुद्ध शब्द लिखा होता कहीं संयुक्त क्रिया तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता, बाकी नहीं है तो उसकी जगह थोड़ा सा घुमाया गया है, अनेक अर्थक क्रिया दिया गया है, अनेक अर्थों में क्रिया निकल रही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, 57 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर 57 की अगर बात कर लेते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर धोती दाहिनी और धान, यहाँ पर देखो रा लगा है, और जब रा लग जाता है तो आपका तत्सम हो जाता है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए बनेगा। यहाँ पर देखो आपसे गद्यांश दिया गया, गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं, यहाँ पर निर उपसर्ग बताइएगा, निर उपसर्ग, निर्भर शब्द में उपसर्ग पूछा गया 58 नंबर में, तो निर्भर में क्या बनेगा, निर्भर में आपका बनेगा निर बनेगा, गद्यांश के क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं, अज का अनेकार्थी बकरा होता है, ठीक है। और इसके बाद दिया गया है कि आत्मसत्व को जागृत करने के कौन से उपाय बताए हैं, देखिए 61 नंबर में, तो ये सभी आपके हैं चिंतन ध्यान और अध्यात्म, ये आत्म तत्व को है ना जागृत करने के लिए हैं। शिक्षा धर्म संस्कार संगति से एक निर्माण जो होता है, परिवर्तन होते हैं, वो आपके सोच आपकी बदलती है। अगला है वह चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच से इसमें कौन सा कारक है, वह चम्मच से, और चम्मच से दिया गया है तो करण से है ना, किसे, करण से, करण से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। जो करेगा सो भरेगा, हमने कहा जो दिया है और सो दिया है, और जो और सो जो होता है वो संबंध को दर्शाता है, जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है इनमें से नाक का बाल होना मतलब मुहरे अर्थ क्या है, नाक का बाल होना इस मुहरे अर्थ होता है कि हमेशा परेशान करना, क्रोध का कारण बहुत परेशान करना, अधिक प्यारा होना या अत्यधिक प्यारा होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है आज मुझे बहुत काम है, मैं बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण, बहुत ज़्यादा है ना, इसका मतलब है संख्या है नहीं, सर्वनाम है नहीं, गुण है नहीं, तो आपका परिमाणवाचक विशेषण है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है नीलकंठ में समास क्या है, चलिए बताइएगा नीलकंठ में जो समास है आपका है कौन सा, आप कहेंगे सर नीलकंठ दिया है 67 नंबर में, और 67 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर सी है बहुवरी समास हो जाएगा, शंकर भगवान को बोलते हैं नीलकंठ, तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर। निम्नलिखित में से प्रसार के विलोम आपको चयन करना है, कोई चीज़ का प्रसार हो रहा है तो भैया उसका संकुचन होगा, या यहाँ पर हम लोग संकुच लगा दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो संकोच शब्द आपका हो गया, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से किसी चीज़ का पास में आना है ना, तो आपसे मानेगा आपका बी नंबर है। अगला है सची शब्द दिया गया, सची, सची मतलब होता है इंद्राणी, क्या होता है इंद्राणी होता है, इंद्री नहीं होता है, इंद्राणी होता है, और इंद्राणी का पर्यायवाची आपका पुलोमजा भी होता है, क्या होता है पुलोमजा भी होता है, इंद्राणी भी होता है, याद रखिएगा। अगला दिया है नेति और नेति, देखिए नेति और नेति, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो नेति होता है वो चिन्ह होता है, और नेति होता है झंडा, ऑप्शन बी बनेगा।
ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर ये बताइए कौन सा अलंकार आपका है इसमें से। यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका अलंकार कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा क्योंकि एक शब्द लगा है ज्यों। क्या लगा है? ज्यों लगा है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पर आपसे पूछा है वाच्य जो आपका है वो कैसा वाच्य है। मैं बाजार जाता हूँ, ये जो वाच्य है वो कैसा वाच्य है आपको बताना है। चलिए बताइए एक बार, सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप कहेंगे 72 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कृत्यवाच्य है क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, कृत्य हो गया। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है, उत्थान में जो उपसर्ग दिया गया है वो आपका है कौन, उत हो जाएगा। उत दिया है तो ऑप्शन ए दिया गया है। और अगला है भावना में कौन सा प्रत्यय है, भावना में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा प्रत्यय है। भावना देखेंगे 74 नंबर में, तो आप कहेंगे सर अना प्रत्यय हो जाएगा, भावधन अना हो जाएगा, भावधन अना ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है रिप आतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबह में पागी मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ पर रस पूछा गया है। अब आप देखिएगा यहाँ पर रिप दिया है, इसको रिप मतलब होता है रक्त, आते है ना, और रिप और आते आ गया, इसका मतलब ये विभस्त रस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विभस्त रस इसका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। कोई डेड बॉडी है, कुत्ता खा रहा है या कोई भी जानवर खा रहा है, तो यहाँ पर आपका होता क्या है, विभस्त होता है। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।